आरटीओ के 13 वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। जबलपुर आरटीओ की राजस्व वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जहां एक तरफ कंपनियां राजस्व के लिए कई हथकंडे अपनाती हैं, तो वहीं आरटीओ जबलपुर ने भी ठान रखा है कि कोई भी बिना कर चुकाए वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेगा। इसी कड़ी में आज जबलपुर के बाईपास स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल्स एंड वर्कशॉप में आरटीओ संतोष पाल और उनकी टीम द्वारा अचानक दबिश दी गई, जहां यार्ड में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं कंपनी के सुरक्षा कर्मियों के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और गेट से अंदर घुसने नहीं दिया गया। जब आरटीओ संतोष पाल को इसकी खबर मिली तो आरटीओ सहित डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौके पर पहुंच गए और मौके से 13 वाहन बिना कर चुकाए यार्ड में छुपाए हुए थे। जब आरटीओ और कमिश्नर द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तब मौके पर सीओ द्वारा भी शासकीय कार्य पर बाधा डाला गया। वहीं आरटीओ और कमिश्नर के साथ आए पुलिस कर्मियों ने सख्ती दिखाई, तब जाकर सीईओ और उनके कर्मचारी शांत हुए। और आरटीओ द्वारा जब 13 वाहनों पर कार्रवाई की गई, तो लगभग लाखों का कर वाहनों पर बकाया पाया गया, जिसको देखते हुए आरटीओ द्वारा क्रेन की मदद से सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो जबलपुर में ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो शासन के लिए राजस्व को ना चुकाना पड़े उसके लिए बहुत से हथकंडे अपनाती हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे आरटीओ और उनकी टीम द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। सर, किस तरीके की कार्रवाई आज आरटीओ द्वारा? जैसा कि आप लोगों को पूर्व से विदित है कि राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के पैमाने पर माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है तथा बकायादारों से वसूली का भुगतान किया जा रहा है इसी परिप्रेक्ष में यह जानकारी मिली थी कि महिंद्रा के यार्ड में कुछ ऐसे वाहन खड़े हैं जिन पर लाखों रुपए का टैक्स बकाया है। यहां आने पर प्रत्येक वाहनों का मिलान किया गया उनके चेचिस नंबर इंजन नंबर से, साथ ही यह महिंद्रा से अपेक्षा की गई कि वो हमें सहयोग करें, लेकिन सहयोग न करते हुए उनके द्वारा हमारे जो ऑफिसर्स आए हुए थे सब इंस्पेक्टर केडर और उसके नीचे के थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तदुपरांत जबलपुर पधारे माननीय हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री अजय गुप्ता जी से मैंने निवेदन किया कि वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं और यहाँ कोई तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने से भी मना कर दिया और वर्दीधारी की आइडेंटिटी पूछने का भी प्रयास किया। तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो हमने टोटल गणना करी तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का कर जिन वाहनों पर बकाया है वो यहाँ अवैध तरीके से रखे हुए हैं, जिसकी सूचना आरटीओ कार्यालय को इनके द्वारा नहीं दी गई है। तो जो अभी संभव होगा, एक क्रेन हमने बुलवा ली है, एक क्रेन से हम एक गाड़ी एक वाहन जिसमें सबसे ज्यादा कर है वो ले जाएंगे और एक आध क्रेन और जाएगी तो एक आध और ले जाएंगे, शेष यहीं अभिरक्षा में रख देंगे। साथ ही इनको एक निर्धारित समय दिया जाएगा जिसमें अगर ये कर जमा कर निराकरण कराना चाहेंगे तो कराएंगे, तो भविष्य में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आदरणीय श्री अजय गुप्ता जी हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक जी सर, ये कर बकाया के वाहनों के विरुद्ध ये कार्रवाई के सिलसिले में सीयार्ड में जब जानकारी प्राप्त हुई इस तरह की बकाया गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो आके यहाँ पे कार्रवाई की, मुझे भी सूचना दी गई तो मैं भी यहाँ पे आया। ये पाया कि 15-16 लाख रुपए टैक्स की गाड़ियां बकाया हैं और बकाया गाड़ियों के ऊपर किसी भी परिसर में घुस के विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग अधिकृत है। और उस मिसबिहेवियर के जो आई कार्ड वगैरह शायद पूछा गया है ऐसा मुझे बताया है, मैं बाद में आया हूँ यहाँ पे, और ये इस तरह से कोऑपरेट इनके द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए जो भी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कितने की राजस्व बाकी है, कितना पैसा बचा? लगभग 15-16 लाख रुपए इन वाहनों पे बकाया है जो यहाँ पे खड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जानकारी नहीं दी जा रही थी, जीएम जो थे वो यहाँ से चले गए हैं कहीं। हाँ, ऐसा बताया गया मुझे कि बाधा तो एज सच नहीं दी, लेकिन सहयोग नहीं किया गया इनके द्वारा किसी भी तरह का, जबकि वो अवैध रूप से इन गाड़ियों को यहाँ पे रखे हुए हैं।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर